हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका को खोजते खोजते उस अशोक वाटिका में जा पहुंचते हैं। एक अशोक के वृक्ष के नीचे माता जानकी जी बैठी हुई हैं। माता जानकी की माथे की केश जटा के समान बने हैं। माता जानकी अपने भेष को योगिनी के समान बना रखे हैं। हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष पर अशोक के पत्ते में छिप करके बैठ जाते हैं। उसी रात को लंकाधीश रावण को स्वप्न होता है कि अरे लंकाधीश रावण, तेरे लंका के अशोक वाटिका में एक बंदर आया है जो जानकी से बात कर रहा है। रावण उसी रात को स्वप्न देखते ही अपना बिस्तर छोड़ उठ खड़ा होता है। उसी रात को सज धज कर बहुत सी सारी राक्षसियों को साथ में लेकर उस अशोक वाटिका में पहुंच जाता है। इधर उधर देखता है, जब कहीं पर कोई अन्य से दिखाई नहीं देता। वह माता जानकी को तरह तरह का त्रास भय दिखलाने लगता है कि हे सुंदरी, हे सुलोचनी, तुम मेरी बात को स्वीकार कर, यदि तुम मेरी बात को स्वीकार कर लोगी, यह जितनी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी बन जाएंगी। हे सुलोचनी, लंकाधीश रावण की बात को सुन करके माता जानकी और फूट फूट कर रोने लगती हैं। हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष के ऊपर पत्ते में छिप करके बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सारी बात को सुन रहे हैं। माता जानकी की दुख हनुमान जी से सहा नहीं जाता। हनुमान जी महाराज माता जानकी की दशा को देखकर मन ही मन विलाप करने लगते हैं कि हे माता, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे आपके कष्टों को दूर करूं, मुझे समझ में नहीं आता है माता। माता जानकी की दशा को देखकर हनुमान जी उस अशोक के वृक्ष पर फूट फूट कर विलाप करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हे माता, आज कैसा विधि का विधान है, फूलों पर चलने वाली माता जानकी आज इस अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। हनुमान जी मन ही मन विलाप करते हैं कि हे माता, हो 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 जोगिनिया हो, आर्य अवधा किनारी रहली भाईली जोगिनिया, से झारा झारा गिरे। हनुमान जी माता जानकी की दशा को देखकर विलाप करते हैं कि हे माता, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता, मैं कैसे आपके कष्टों को दूर करूं। हे माता, आर्य अवधा किनारी रहली भाईली जोगिनिया, से झारा नवा हो रहा।
जोगिनिया हो से झारा झारा गिरे नए नवा हो राम से झारा झारा गिरे नए नवा हो के संघावा क्रोधावा से लाली लाले कोई के ले रवाना क्रोधावा से लाली लाले कोई की नहीं सब दन भाई भेदा मैया की दिखावल कैसे हारी मैया के हनुमान जी ने सोचते हैं कि हे माता अब मैं क्या कर सकता हूँ। हनुमान जी महाराज माता जानकी की दशा को देखकर मन ही मन विलाप करते हैं कि हे माता हो सब दान भाई भेदा मैया की दिखावल कैसे हारी मैया के से कैसे हारी मैया के विपतिया हो राम से कैसे हारी मैया के विपतिया हो राम जोगिनिया हो अवधा की नारी रहली भैली जोगिनिया से झारा झारा गिरे नए नवा हो रहा